हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आईबीपीएस क्लर्क मेंस को अभी 7 दिन बाकी है, तो 7 दिन में अब आपको कैसे जीए प्रिपेयर करना है उसके बारे में मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो पूरी ज़रूर देखना, और अगर आप चैनल पर नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना। जीए की क्लासेस जो टॉपिक वाइज करवाई है वो देखो। अब बात करें जीए के बारे में, तो उससे पहले देखो आरआरबी क्लर्क का कल मेंस हुआ, उसमें अपन ने देखा कि कुछ भी पूछ रहे हैं वो, कितना भी पढ़ो। तो बहुत सारे स्टूडेंट होप आ रहे हैं कि सर हम कितना भी पढ़ें वो पूछ रहा कुछ भी है तो हम क्यों जीए में टाइम वेस्ट करें। ऐसा नहीं होता है। आरआरबी के अंदर देखा है लास्ट से 2 से 3 साल आरआरबी में वो कुछ भी पूछ रहा है, उसको मतलब ही नहीं है कि क्या पूछना चाहिए क्या नहीं पूछना चाहिए। एग्जामिनर कुछ भी पूछ रहा है, और ये आरआरबी के अंदर देखा है, आप यूट्यूब पर जाके देख लेना लास्ट 3 साल के जीए के एनालिसिस, ठीक है। बट आईबीपीएस क्लर्क के अंदर ऐसा नहीं होगा, डेफिनेटली ऐसी चीज़ें नहीं होगी। और आप लोगों के हाथ में जो चीज़ें हैं वो आप लोग करो। आप लोग वो मत सोचो कि एग्जामिनर क्या क्वेश्चन देगा, हमें आएंगे नहीं आएंगे। आप लोग अपना जो चेकलिस्ट, अपना जो काम है वो तो पूरा करके रखो ना यार। तो आप लोगों को मैं वापस बोल रहा हूँ, मई से लेके 15 सितंबर तक की करंट अफेयर अच्छे से 3 बार कर लो, बार बार रिवाइज करो। 1 महीना पढ़ा, फिर उसकी क्विज वगैरह देते रहो साथ साथ में, ठीक है। और आप लोग अगर टाइम हो तो अप्रैल भी कवर कर सकते हो, ठीक है। बट मई से 15 सितंबर तक का 3 बार रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। पीडीएफ, वीडियो, क्विज, ये फॉर्मेट जो मैंने आप लोगों को बार बार बताया, उसके अलावा जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर है जो मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा चीज़ें करवा रखी है जीए के अलावा जो करनी होती है, जैसे बजट करवाया, ओलंपिक, पैरालंपिक, ठीक है, अपॉइंटमेंट वगैरह, मिनिस्ट्री रिलेटेड न्यूज़, जो मिनिस्ट्री रिलेटेड न्यूज़ मैंने परसों करवाई थी 150 के आसपास, उसमें से डायरेक्ट 2 क्वेश्चन आए। सारा की फुल फॉर्म पूछी है जो WHO ने लॉन्च किया है, और CDP सुरक्षा पूछा है, ठीक है, जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की सब्सिडी के लिए। तो ये 2 क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं। तो वो जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर है वो लूप में आप देखते रहो, और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो HP सक्सेस क्लासेस, वहाँ पे आपको PDF सारी मिल जाएगी। आप फाइल सेक्शन में जाना, अच्छे से सर्च करोगे तो मिलेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें करो, क्विज दो, और आप डेज मत भूलना, डेज करना, डेज से क्वेश्चन आता है। हेडक्वार्टर जैसे GCF का हेडक्वार्टर पूछा था कल, ग्रीन क्लाइमेट फंड का, तो हेडक्वार्टर भी मत छोड़ो, क्योंकि एक एक मार्क्स जीए में होगा ना, वो एक एक मार्क्स एड होकर 20 मार्क्स दिलाएगा आपको, ठीक है। और आप लोगों के लिए आज ही मैं बैंकिंग अवेयरनेस का Part 1 लेके आऊँगा, उसमें लगभग 200 क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से फास्ट 2 घंटे के अंदर। और गवर्नमेंट स्कीम का नेक्स्ट सेशन पे मैं काम कर रहा हूँ, लगभग 15-20 स्कीम बन गई है और बना रहा हूँ, कल परसों अपलोड कर देंगे। और 501 क्वेश्चन भी मैं करवाने वाला हूँ आप लोगों को, 501 इंपॉर्टेंट, उससे आपका सारा रिवाइज हो जाएगा, सारे इंपॉर्टेंट मैं से लेके 15 सितंबर तक के करवाऊँगा, ठीक है। तो एडवाइस सबसे इंपॉर्टेंट यही है, जो आपकी हाथ में चीज़ें हैं उनको आप कंट्रोल करो, दूसरी चीज़ें जो आपके हाथ में नहीं उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, ठीक है। आप बस अपना कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, ठीक है, अपने आप फल मिलेगा आपको, ओके। तो ये सारी चीज़ें करो यार, हिम्मत मत हारो अभी भी, क्योंकि अगर आप करते रहोगे ना तो एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगा आपका। अगर आपने हिम्मत हार दी कि यार नहीं होगा मेरे से, तो ये मत सोचो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो कि यस होगा, करूँगा मैं, ठीक है, ओके। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। गुड लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।